अमृतपाल सिंह चड्ढा अमृतपाल जी, आज 13 जो विसाखी का दिन है, विसाखी का पवित्र दिन है, नाडा साहब एकादशी गुरुद्वारे विच आए हो, बिल्कुल जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत वधिया जी, अज ते परमात्मा चढ़दी कला सारिआं रखे, ते अज विसाखी का त्यौहार है, ते सिखां दा अज दा मतलब जीवन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अज दिता। हाँ, जो 1499 की जिहड़ी विसाखी सी, उत्थे गुरु साहब ने पहले पांच प्यारियां नूं अमृत छकाया, ते फिर आप ही अमृत छकिया, ते उस दिन तो मतलब समझ लो भी विसाखी का त्यौहार जिहड़ा मनाया जाता बड़ी धूमधाम नाल हर गुरुद्वारे अच जाता। विसाखी का दिन किसान वास्ते भी है जी, अज के दिन तो अपना जी कणक वगैरह जो भी होंगे वो कटनी शुरू कर दें। पूरे परिवार नाल आए? पूरे परिवार नाल आए हैं जी। उपजीत सिंह नाम है जी। अज का दिहाड़ा क्या महत्व रखता है? अज दिहाड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने साधना दिवस की हैगी है, उन बच्चों को अपने गुरसिखी पर ध्यान देना चाहिए हैगा, वो अपने कार मतलब अपनी सेवा बिजी रहन नाल अपने गुरसिखी के जो पालना है उन्होंने मनना चाहिए है। इतिहासिक गुरुद्वारा जो नाडा साहब है, इतने हर साल आते हो? नहीं, इतने मतलब कि मैं पहली बार आया है, मैं देख के बड़ा खुश होया, इतने मतलब कि मतलब कि पावन स्थान पवित्र स्थान है, अपने गुरुओं की यही सिक्ख्या हैगी कि आप अपने बच्चों को सिक्खी दान दो, मतलब कि सब मतलब सिक्खी बनाओ, तो अपने अपने स्वरूप रखो, यही मैं कहना पाना है कि सब अपने बच्चों सिक्खी पाना मतलब बच्चन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास सुखदेव सिंह, मुख सेवादार गोदरा श्री नाडा साहब। अज का पवित्र दिहाड़ा, इस दिन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह ने 1699 इस विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की साजना की। ये खालसा पंथ जो पांच प्यारियां गुरु साहब ने थाप के पंजां तो फिर आप अमृत लिया, 1699 केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब विखे खालसा पंथ की साजना की गई। इस साजना दे उस नूं मुख रखते हुए गुरद्वारा श्री पंजोखरा साहब विखे बड़े वड्डे पद्धर से सवेर तो ही लगातार संगतां दा आवाजावा बनिया होया। संगतां होम होम आ के इस दिहाड़े नूं नतमस्तक श्री गुरद्वारा साहब नाडा साहब विखे हो रही ने। इन्हां वास्ते अहीं उचेचे प्रबंध जिवें कि लंगर आदि दे बड़े कीते हुए ने, सच्चे पातशाह इन्हां संगतां दीआं मनोकामनावां पूरियां करन। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਕ ਟਵਰਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਢੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਢੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।